नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्काईटेक न्यूज के अंदर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, जो आपकी ट्रेडिंग में काफी सारी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, बिल्कुल ही नया इंडिकेटर है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। और इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मैं आपको एक स्लाइड शो के बदौलत आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम जो इंडिकेटर की बात कर रहे हैं दोस्तों, लिनियर रिग्रेशन चैनल इंडिकेटर इसका नाम है दोस्तों, जिसे डेवलप किए जिन्होंने किया है, जिनका नाम है गिलबर्ट राफ, जिन्होंने इस इंडिकेटर को डेवलप किया है। चैनल एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है दोस्तों। इसके जैसे कुछ और टाइप के हम ऑलरेडी चैनल्स देखते हैं, जैसे हम एक मालूम है फिबोनाची चैनल्स, एंड्रू पिचफॉक जो, और एक चैनल है एक केल्टनर चैनल, ये वैसे ही लिनियर रिग्रेशन चैनल हमें दिखता है दोस्तों। और ये इसके अंदर तीन लाइन होती है जो दोस्तों, एक एक आउटलाइन जो होती है, सबसे ऊपर ऐसी लाइन दिखाई देगी, वो हाई वाली लाइन होगी, एक मिडल में ऐसी एक लाइन होगी और एक लो वाली लाइन होगी। ये तीन लाइन से ये चैनल बनता है लिनियर रिग्रेशन का दोस्तों। इसकी कैलकुलेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, हम जो भी इसे सॉफ्टवेयर में यूज करने वाले हैं, वो सॉफ्टवेयर इसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है दोस्तों। इसलिए हम इसके कैलकुलेशन के पीछे क्या क्या फॉर्मूलाज है इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे छोड़ देते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसे कैलकुलेट कर लेता है। लगभग ये जो इंडिकेटर है दोस्तों, द रिग्रेशन चैनल इज अवेलेबल ऑन मोस्ट टॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे ये मिल जाएगा, और बहुत सारी फ्री वेबसाइट है दोस्तों, ऑनलाइन चार्टिंग वेबसाइट वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि आपको investing.com पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर दो टाइप के चैनल्स होते हैं जो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर बुलिश चैनल बनता है तो ऐसी तीन लाइंस बन जो रिग्रेशन चैनल की ऑलरेडी है दोस्तों, ये हाई वाली लाइन है, ये लो वाली लाइन है और ये मिडल वाली लाइन है, ये बुलिश रिग्रेशन चैनल कहेंगे हम। इसका स्लोप जो होता है दोस्तों, अपवर्ड साइड होता है, तो हम इसे बुलिश मानेंगे। इसके अपोजिट में अगर कोई चैनल ऐसा बनता है दोस्तों जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल होगा, इसे हम बेरिश मानते हैं। इसके अंदर ये दो टाइप के चैनल्स होते हैं, जो कि पहला एक बुलिश और एक जो है ये बेरिश, ये जिसके अंदर प्राइस मूवमेंट जो है यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में होगी दोस्तों, यहाँ पे अपवर्ड साइड में प्राइस मोमेंटम होती है दोस्तों। ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है, इसके साथ आपको जस्ट लाइक ADX वगैरह, RSI, MACD, कुछ और अदर टूल यूज करना जरूरी है दोस्तों। सिर्फ इस इंडिकेटर के बेस पे आप कोई ट्रेडिंग का डिसीजन नहीं ले सकते। तो हम इसे अभी चार्ट पे लगा के देखेंगे दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे कि दोस्तों, हम हमारे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ गए, आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप अगर जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन चैनल यहाँ पे सर्च कर लेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अपडेटेड, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा हूँ दोस्तों, तो मैं इसे सीधा चार्ट पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे आप उसको क्लिक कर देंगे, वो चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा है दोस्तों, निफ्टी 50 का। आप देख सकते हैं ये चैनल ऐसे दिखाई देता है हमें, यही इंडिकेटर है दोस्तों। ये जो है इसका हाई है, हमने जैसे बात की, ये लो है और इसका ये मिडल वाला लाइन है, ये तीन लाइन से ये चैनल ऐसे बनता है दोस्तों। क्योंकि अभी इसका जो स्लोप है दोस्तों, वो अपवर्ड साइड है, इसलिए ये जो चैनल के अंदर हमें प्राइस मूवमेंट दिख रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं अपवर्ड साइड की प्राइस मूवमेंट हमें यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि अभी इस चैनल के हिसाब से हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अभी थोड़ी और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, कि जो जैसे कि चैनल के हिसाब से आप देख रहे हैं, 510 से 16500 से 16520 के आसपास मार्केट ने जाना चाहिए, अगर 16400 यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है। तो दोस्तों इससे हमें काफी कुछ आइडिया मिल जाता है कि हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, मार्केट की दिशा किधर है, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से आप यहाँ से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऑल टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं 26 तारीख के दिन मार्केट
गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया दोस्तों। यहाँ से इसने एक फिर से इस चैनल को तोड़ा, लेकिन इस कैंडल के बुलिश कैंडल के बाद मार्केट में एक अपसाइड हमें देखने को मिली, जो कंटिन्यूअसली अभी भी मार्केट अपसाइड में। हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ से जाके दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, और हो सकता है कि मार्केट इस जगह भी आ सकती है। तो दोस्तों ये जो लाइन्स है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करती रहती है। तो दोस्तों ये सिंपल चैनल है दोस्तों, आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा तो ये आप इसको यूज कर पाएंगे। इसके साथ आप अगर ADX, MACD, RSI वगैरह कंफर्म करेंगे तो उससे आपकी ट्रेड करने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि एकदम ये बेसिक वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की बहुत दिनों से हमें इसके ऊपर कमेंट्स मिल रही, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बेसिक वीडियो है दोस्तों, लेकिन आपको इससे चैनल के हिसाब से आपको मार्केट का ट्रेंड तो समझ में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी का वन डे का चार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे मिडल लाइन के पास सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी लिया है अपसाइड के अंदर। आप देख सकते हैं हमें एक बैंड का पता चल जाता है दोस्तों इससे, कि मार्केट की रेंज क्या है। आप मान के चलिए अगर मार्केट यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल दिखी, तो हमें इतना तो समझ में आता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और अगर इसके पार यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो मार्केट दोस्तों यहाँ तक चला गया। और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस देख के आपको एक बेरिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, फिर मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट मिली और सपोर्ट मिला। तो दोस्तों ये जनरली आप इससे एक ट्रेंड का आइडिया ले सकते हैं, और एक बैंड के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। जनरल दोस्तों मार्केट बहुत सारे टाइम साइडवेज रहता है, साइडवेज मार्केट में आप इससे अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे लगा है, सेम कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट में एक नीचे से हमें एक मूवमेंट मिली और यहाँ पे क्लोज देखने को मिला चैनल के अंदर, फिर मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग देखने को मिली एक डाउन साइड के बाद, फिर मार्केट इस जगह गया और रेजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउन साइड हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो दोस्तों इससे ओवरऑल आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट में हमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए। अब जैसे कि देख रहे हैं वन डे चार्ट पे, ये हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल अभी भी दिख रहा है, तो अभी भी मार्केट डाउन साइड मूवमेंट में ही है दोस्तों, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। तो इससे हमें ओवरऑल जस्ट आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे इससे ट्रेड करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।